नमस्कार। तो अब आप लोगों ने पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया है और अब आप एक बिजनेस प्रपोजल अब आपको तैयार करना है, एक व्यावसायिक प्रस्ताव तैयार करना है। और ये इतना मुश्किल नहीं होने वाला है, ये बहुत ही आसान होने वाला है। आपको बस कुछ सवालों के जवाब देने हैं। ये एक गूगल फॉर्म है और इसमें आपको सारी डिटेल्स फिल करनी है जो जो इसमें सवाल पूछे गए हैं। और इसमें उसी तरह के सवाल पूछे गए हैं जिन बारे में आप लोगों ने पढ़ाई की है, मतलब जो भी आपने एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स में पढ़ा है उन्हीं से रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब आपको देने हैं। और जब ये सारे जवाब आप दे देंगे यानी इसमें फिल कर देंगे तो ये पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा और एक बिजनेस प्रपोजल तैयार हो जाएगा। जैसा कि कंप्लीट होने के बाद ये कुछ इस तरह दिखेगा। ये पहले से ही फिर भरा हुआ एक फॉर्म है जिसे हम लोग देख लेते हैं कि आपको किस तरह क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें हम लोग एक रेस्टोरेंट का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, एक रेस्टोरेंट का उदाहरण लेके चल रहे हैं, भोजनालय का। तो देखिए, सबसे पहले आपको बताना है कि आप किस उद्योग क्षेत्र में अपना व्यवसाय शुरू करने के इच्छुक हैं, क्योंकि हमारा रेस्टोरेंट है यानी फूड इंडस्ट्री यानी खाद्य उद्योग। तो आपका उद्योग कुछ भी हो सकता है, आपको यहाँ पर उस उद्योग का नाम लिखना है। उसके बाद आपको बताना है कि स्वामित्व क्या होगा। तो हमारा एकल स्वामित्व है, आपको अपना बिजनेस का स्वामित्व बताना है। उसके बाद आपको अपने बिजनेस का नाम जो भी आपने सोचा है वो बताना है। ये ध्यान रखिए कि जो बिजनेस का नाम है वो अलग होना चाहिए, पहले से किसी चल रहे बिजनेस से सिमिलर नहीं होना चाहिए, वरना वो लोग आपत्ति कर सकते हैं। तो इससे ऐसा कुछ ना हो, इसलिए ऐसा कोई नाम रखिए जो कि बिल्कुल अलग हो। तो आपको नाम बताना है, लिखना है यहाँ पे। फिर आपको अपने बिजनेस का विजन और मिशन बताना है। तो आप लोग विजन और मिशन के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आपको अपने बिजनेस का क्या दृष्टिकोण है, क्या मिशन है, वो आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद अगला ये जो टॉपिक कह सकते हैं वो है मार्केट रिसर्च। इस पे भी आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि क्या होता है मार्केट रिसर्च, कैसे करते हैं, क्या क्या मेथड्स होते हैं। तो बस अब आप अपने बिजनेस के लिए मार्केट सर्वेक्षण कीजिए और आपको बताना है कि आपने कौन सा मेथड यूज किया है। और उसके बाद उस मार्केट सर्वेक्षण या बाजार जो भी सर्वेक्षण किया है उसके बेसिस पे आपको ऐसा क्यों लगता है कि व्यवसाय को शुरू करने के लिए जो बाजार की स्थिति इस समय है वो आपके पक्ष में है। तो हम लोग का क्योंकि रेस्टोरेंट का बिजनेस है तो इसलिए हम लोगों ने उसके हिसाब से यहाँ पर रीजंस लिखे हैं कि क्योंकि इस समय ऑनलाइन कम्युनिटी या ऑनलाइन चीजें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, तो हम लोग ऑनलाइन पोर्टल बना सकते हैं जिसमें लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर सके और घर जाके डिलीवरी हो जाए सीधा। और इसी तरह हम लोग लगातार ब्लॉग कर सकते हैं, मतलब आर्टिकल्स जैसे होता है वो ऑनलाइन लिख सकते हैं, उसके बाद सोशल मीडिया पे अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग को लगता है कि जो बाजार की स्थिति वो हमारे पक्ष में है, हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। और खाना ऐसी चीज है जो कि इंसान को तो चाहिए चाहिए, तो ये सक्सेसफुल होने के चांसेस और ज्यादा है। उसके बाद आपको बताना है कि जो आपके जो जिन्हें आप सबसे ज्यादा अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं, सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानते हैं, ऐसे तीन लोग के नाम आपको, तीन बिजनेसेस के नाम आपको बताने हैं। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है विपणन रणनीति, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, कि आपने क्या मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाई है अपने बिजनेस के लिए। तो यहाँ पर आपको अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनानी है, मतलब लिखनी है कि आप व्यवसाय को अपने किस तरह बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। क्योंकि हमारा रेस्टोरेंट है तो उस लिए हम लोग कॉर्पोरेट संगठन जो कि स्कूल है, आसपास के परिवार है, वहां पर ब्रोशर देंगे, जो छोटी सी बुकलेट आती है उसमें सब कुछ लिखा होता है बिजनेस के बारे में कि ये हमारा रेस्टोरेंट है या उन्होंने अभी खोला है, इसमें कौन कौन से लोग हैं, क्या क्या डिशेस मिलती हैं, कैसा क्या है। तो उसमें सब पूरी डिटेल देनी है आप लोगों को और अट्रैक्टिव बनाना है ताकि लोग आए विजिट करने। और उसके बाद ये हम हर समय देखेंगे कि हमारे यहाँ अलग अलग तरह के भोजन उपलब्ध हुआ टाइम पे, साफ सफाई का ध्यान रखा जाए, ग्राहकों को विशेष छूट दी जाएगी, अखबार में हम लोग विज्ञापन देंगे, वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग करेंगे। तो इस तरह से मतलब हम लोग अपने व्यवसाय को बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। तो आप किस तरह अपने व्यवसाय को बढ़ाने की योजना बना रहे हैं, तो वो योजना आपको यहाँ पर लिखनी है कि आप किस तरह अपने बिजनेस की मार्केटिंग करेंगे कि लोग आपके पास आए। उसके बाद आपको बताना है कि ऐसी कौन सी खास विशेषताएं हैं आपके बिजनेस की जो आपको दूसरों से अलग बनाती है। आप में ऐसा क्या खास है कि आपके बिजनेस में कि लोग दूसरा बिजनेस या दूसरी जगह छोड़ के आपके पास आए। तो यहाँ पर हम लोग ने, क्योंकि हम लोग रेस्टोरेंट का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, तो हम लोगों ने लिखा है हमारा स्थान यानी लोकेशन, प्राइम लोकेशन है हमारी, भुगतान विकल्पों की किस्में, ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, ऑफलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, शाकाहारी भोजन की विस्तृत किस्में, दोस्ताना व्यक्तिगत सेवा, फिर पार्किंग स्थान, पॉकेट फ्रेंडली दाम,
और एक लॉयल्टी प्रोग्राम। तो इस तरह के जो ये खास विशेषताएं हैं, तो आपको अपने बिजनेस की खास विशेषताएं यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद नेक्स्ट है बिजनेस कॉस्ट यानी लागत। अब आपको बताना है कि आपका जो बिजनेस है उसे आप सेटअप करने के लिए कितने रुपए लगेंगे लगभग, मतलब कितना खर्चा आएगा। तो ये एक रेस्टोरेंट के हिसाब से खर्चे दिए हुए हैं। जैसे अगर हम लोग रेस्टोरेंट खोलेंगे तो उसके लिए एक सुरक्षा जमा देना पड़ेगा, टेबल चेयर लेनी पड़ेगी, एसी, कैमरा, कंप्यूटर, ये सब लेना पड़ेगा, किचन की चीजें लेनी पड़ेंगी, खाने का सामान लेना पड़ेगा जो रॉ मटेरियल है। तो उस हिसाब से हम लोग का लगभग खर्चा 2,10,000 आएगा। तो इसी तरह आपको देखना है कि जो आप बिजनेस सेटअप करने वाले हैं उसके लिए किन किन चीजों की जरूरत है और उनका खर्चा कितना आएगा, तो ये आपको यहाँ पर फिल करना है कुछ इस तरह से। उसके बाद आपको बताना है कि अनुमानित मासिक लागत क्या है यानी महीने की कॉस्ट क्या आएगी। तो वो आपको कुछ इस तरह बताना है कि मतलब जैसे अगर किराए पे ले रहे हैं तो किराया कितना आएगा, बिजली का बिल हो गया, जो आपके यहाँ कर्मचारी काम करेंगे उनका खर्चा हो गया, फिर अगर आपने कोई लोन ले रखा है तो उसका इंटरेस्ट जाएगा। इस तरह जो चीजें हैं वो आपको एक अनुमानित मासिक लागत आपको बतानी है यहाँ पे कि लगभग एक महीने का कितना खर्चा आएगा। उसके बाद आपको बताना है कि आपके व्यवसाय के लिए आवश्यक धन के संभावित स्रोत क्या है। बिजनेस आप सेटअप करना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपके पास पैसा कहाँ से आएगा। आप अपना खुद का पैसा लगा रहे हैं, कितना लगाएंगे, किसी से ऋण ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं, तो वो सब आपको बताना है। तो हमारे में इस तरह का कुछ संभावित स्रोत है, जैसे स्वामी की इक्विटी, खुद का पैसा 60,000, एक दोस्त से ऋण लेंगे 20,000, बैंक से लेंगे, और इन्वेस्टर से हमारी मांगे 80,000 कि हमें मिल जाए तो हमारा काम चल जाएगा। उसके बाद आप जैसे इन्वेस्टर से कितने रुपए ले मांग रहे हैं, तो हम लोग 80,000 मांग रहे हैं, और ये बताएं कि इसके बदले आप निवेशक को क्या देंगे, मतलब उसका क्या फायदा। तो हम लोग 10% के हिस्सेदारी दे रहे हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप बदले में क्या देते हैं, ये आप और निवेशक आपस में मतलब डिसाइड कर सकते हैं। तो ये आपको बताना है कि आप कितना निवेशक से मांग कर रहे हैं और कितना आप उसे बदले में देंगे। उसके बाद आपको आपके व्यवसाय का डेट इक्विटी रेशियो, ऋण इक्विटी अनुपात क्या है वो बताना है। तो ये भी आप पढ़ चुके हैं, तो ये सारी चीजें आपके लिए नई नहीं है, बस अब आप इसे थोड़ा प्रैक्टिकल व्यू से देखेंगे कि आपने थ्योरी पढ़ ली है क्या होता है कैसे क्या है, लेकिन अब आप उसे सच में अप्लाई करेंगे कि अच्छा बिजनेस स्टार्ट करना है तो ये क्या होता है, निवेशक से हम लोग कितना मांगना चाहिए, उसके बदले क्या देना चाहिए, आपका डेट इक्विटी रेशियो क्या है। तो ये सारी चीजें अब आप प्रैक्टिकली अपने बिजनेस के बारे में सोचेंगे और करेंगे। तो ये आपको बताना है कि व्यवसाय में आपका ऋण इक्विटी अनुपात क्या है। और उसके बाद आपको मतलब 6 महीने का एक कैश फ्लो प्रोजेक्शन तैयार करना है, उसे संलग्न करना है। तो ये देखिए कैश फ्लो प्रोजेक्शन हम लोग ने भी तैयार किया है। तो ये भी आपका पढ़ा हुआ है, तो आप इसे तैयार कर लीजिए और इसको यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। उसके बाद लास्ट में आपको बतानी है कि धारणाएं यानी अजम्पशंस, कि आपने क्या क्या अज्यूम किया है इस प्रोजेक्शन को बनाने के लिए। हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी हम कोई प्रोजेक्शन या फ्यूचर के लिए कोई चीज तैयार करते हैं तो कुछ चीजें अज्यूम करते हैं, कुछ धारणाएं बनाते हैं, तो वो आपको यहाँ पर लिखनी है। तो जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो ये आपको कुछ इस तरह दिखेगा। अब जैसे ये फॉर्म है, ये पूरा फिल्ड है, तो सारे सवालों के जवाब फिल करने के बाद आपका बिजनेस प्रपोजल तैयार है। धन्यवाद।